वही कुछ कहना चाहता था, लेकिन उन्होंने अपनी बात उसी तेवर के साथ रवीश ने कही। लेकिन कुछ बातें दोहराई जाने जरूरी है। कल रात हत्या हुई, हत्या की खबर आई, और उसके बाद जिस ढंग से सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ी जमात, वो जमात जो हर वक्त घेरती है उन तमाम लोगों को, तमाम पत्रकारों को जो थोड़ी भी आलोचना की राय रखते हैं या सरकार या सत्ता से सहमत नहीं होते हैं। सरकार और सत्ता के साथ खड़ा होना पत्रकारों का दायित्व तो कभी नहीं था, कभी नहीं होना चाहिए, ये बुनियादी उसूल है। लेकिन कल जिस ढंग से हत्या हुई और उसके बाद उस हत्या के बाद सोशल मीडिया में एक हत्या का दौर जो शुरू हुआ है वो ज़्यादा चिंताजनक है। और पहले सोशल मीडिया में पहले ये काम हो रहा था, मान मर्यादा की हत्या, व्यक्ति की हत्या, पत्रकार की हत्या, विचार की हत्या, कल हमने गोलियों की शक्ल में देखा है। और जिस शख्स का जिक्र कर रहे थे रवीश अभी, मुझे जब मैंने रात में, मैंने भी कुछ ट्विटर पर लिखा, उसके जवाब में जब मैंने गालियां खाई और लगातार मैंने फेसबुक पर देखा है, तब लगता है बहुत बड़ी जमात ऐसी रेडिकलाइज हो रही है इस देश में, जिसके लिए चिंता करने की जरूरत है। और इसमें बहुत सारे पत्रकार भी हैं, हमारे न्यूज रूम में भी बहुत सारे साथी हैं। हम सबका दायित्व है कि समझने की कोशिश करें कि पत्रकार का काम पक्षकार बनना नहीं है, सत्ता के साथ खड़े होना नहीं है। सत्ता से असहमति बुनियादी सिद्धांत है। क्योंकि हम उस सिद्धांत से भटक रहे हैं, इसलिए हमारे देश के साथी भी भटक रहे हैं। और इसलिए उन साथियों में बात आ रही है कि देश एक पुनर्निर्माण के रास्ते में चल पड़ा है, और उस पुनर्निर्माण के रास्ते में हम अपनी शिलाएं लेकर चल पड़े हैं। माफ करिए, पत्रकारिता नहीं है। और इसी वजह से हम सबके बीच भी एक ऐसी स्थिति है जहां चिंता और मनन करने की जरूरत है। एक शब्द कहते हुए उस लड़के का जिसका जिक्र अभी रवीश ने किया, मैं दोहराना चाहूंगा। उसके पहले मैं सोच रहा था अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, नहीं बताना चाहिए, लेकिन जो उसने लिखा है और जिसको फॉलो कर रहे हैं सरकार में तमाम मंत्री, वो लिखता है एक कुटिया कुत्ते की मौत क्या मरी, सारे बिल्ले एक सुर में बिलबिला रहे हैं, खून खौलना चाहिए। ये पढ़कर हम सब लोग बिल्ले हैं और बिलबिला रहे हैं, उससे मेरा हाथ कांप रहा कि ये किस दुनिया में है, क्या दौर है। इमरजेंसी भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, दुआ साहब और तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने, लेकिन एक दौर था घोषित तौर पर आपातकाल थी, घोषित तौर पर सरकार ने इमरजेंसी में अखबारों की पत्रिकाओं के मुंह बंद किए। अब अघोषित वो दौर है कि आप जुबान खोलते नहीं कि टोल किए जाते हैं, और जो टोल करते हैं उनको अगर उनके ऊपर तो कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, किसी ने शेर का चेहरा लगा रखा है, किसी ने और तो और विवेकानंद का चेहरा लगा रखा है, और किसी ने दो राष्ट्र प्रमुखों का चेहरा लगा रखा है। अब इस दौर में अगर हम सतर्क और सचेत होकर एकजुट नहीं हुए तो बहुत चिंता की बात है। मैं मानता हूं पत्रकार का काम राजनीति करना नहीं है, बहुत सारे राजनीतिक भी यहाँ हैं, उनकी अपनी राय हो सकती है। हम बीच में रहकर कम से कम इस धार को पकड़ें कि अगर हम आज एकजुट नहीं हुए तो, सही कहा रवीश ने, हम में से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। सोशल मीडिया पर तो पहले ही लोग मारे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से दूर हो रहे हैं, उनमें हिमाकत है जो आज भी टिके हैं, और कल से जिन लोगों ने भी लिखा होगा इस मौत पर, उन सब ने गालियां खाई होगी। और आपको हैरानी होगी जानकर, गाली देने में बहुत सारे लोग हमारे बीच के पत्रकार भी हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि देश एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जाहिर है परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है पत्रकार साथियों को भी अपने भीतर आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि हम पत्रकार पहले हैं या सत्ता के रथ में सारथी के पीछे दौड़ने वाले, मुनादी करने वाले लोग हैं। जिस दिन ये समझेंगे उस दिन हम सब पत्रकार एकजुट होंगे, और नहीं तो अभी ये हत्या हुई है, अगले महीने दूसरे महीने चौथे महीने फिर हत्याएं होगी। इसके लिए हम सबको सिर्फ भाषण और अपनी बात कहने की बजाय एकजुटता की जरूरत है, और इस लड़ाई को लगातार एक अंजाम तक ले जाने की दिशा में बढ़ने की जरूरत है। धन्यवाद।